Hey guys, welcome back to my channel. This is me, Aditi Falswal. कैसे हैं आप लोग? I hope you guys are doing well. और अभी हो चुका है एक छोटा सा कांड जो कि मेरे लैपटॉप में काम करते करते. Hi guys, welcome back to my channel. This is me, Aditi Falswal. कैसे हैं आप सब? I hope you guys are doing fine. और अभी काम करते करते हो गई एक छोटी सी प्रॉब्लम. मैं आज अपना काम करने बैठी थी और उसके बाद करते करते मेरा लैपटॉप पड़ गया बंद. तो अब मुझे HP के शोरूम में दिखा के आना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि इसको मैंने ट्राई कर लिया स्कैन करने का, जो भी लिखा है सब कर लिया, कुछ नहीं चल रहा. तो अगर मैंने जल्दी ठीक नहीं किया तो मेरे काम रुक के पड़े हैं, तो वो भी करने हैं. और आज हम जा रहे हैं मम्मी के साथ गुरुद्वारा. तो गाइस, अब मैं तैयार होके कुर्ती बदल के फिर आपसे मिलती हूँ. नहावा मैं पहले ही ली थी, सब कर लिया है, अब बस चेंज करके उसके बाद निकलते हैं. आई विल सी यू देन, बाय बाय. सो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग. हो गई हूँ मैं तैयार. मैंने पहना है काला चिट्टा सूट और ये रही मेरी छोटी सी बिंदी जो मैंने लगाई है, दिख रही है आपको ये रही. और मैं हो गई थोड़ी मोटी. और अब देखते हैं मेरी मम्मी. मम्मी चलो ना यार, लेट हो रहा है. और मेरा भाई ऐसे छुपते छुपते जब से हमने ब्लॉग बनाना शुरू किया है, मेरा भाई यूं ही निकलता रहता है छुप छुप. कुछ को पसंद नहीं है ब्लॉग में आना, ना मेरे पापा को पसंद, ना मेरे भाई को पसंद, ये सिर्फ हम लोगों को पसंद है. और ये जिसका फलसफा जिसने गुरुद्वारे के लिए ओवर मेकअप क्या हुआ है, मैंने क्या किया है, हल्का सा है तो मेरा तेरा हल्का है. अच्छा ये रुक गया, आई लाइनर है, लिपस्टिक नहीं है. कितनी थोड़ी है ये मेरी लिपस्टिक? नहीं तेरी तो फिर भी ज्यादा है. गाइस आप बताओ ये मेकअप ज्यादा है? रुकिए आइए, ये डलना नहीं किया ये डलने का. गाइस आप बताओ, अगर ये डला तो मैं आगे से नहीं आ रही व्लॉग में. कल भी आपको मना किया था, आज अगर ये डला तो ये डलेगा. आई स्वेयर अगर ये डला मैं आगे से नहीं आ. तो गाइस आप बताओ ये बनाओ अपने आप. तो गाइस आप ये बताओ कि मैंने मेकअप किया है या जितने का रिजल्ट अच्छा कौन लग रहा है? चलो ठीक है, आप ये बताओ ज्यादा अच्छा कौन लग रहा है बता दे, क्योंकि जो मेकअप के साथ अच्छा लग रहा है वो धोखा है. फिर मैं बता दूं, रोज मेकअप करती है, रोज सुबह उठती है. कोई नहीं तो क्या हो गया, रोज सुबह उठ के हल्का फुल्का कर लिया तो क्या हो गया. मैं तो बिना मेकअप के आती हूँ रोज, आज पहली बार किया है मैंने तो. और उसमें इतनी ज्यादा मेकअप कर लिया इसने. गाइस ये रही जितका जो खूब ये रही जितका ये खूब सारा ये जितका है जो खूब सारा मेकअप करके ये डलेगा मत आओ भाई, मत आओ व्लॉग में नहीं आना, तो मत आओ. अगर आप लोगों को जाने जितका के डीप डाउन के सीक्रेट्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय YouTube चैनल. आपको इसकी शक्ल पसंद नहीं आ रही तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करिए मेरे चैनल पे. अब ये चिढ़ गई है, अब ये चिढ़ गई है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम इसकी बेइज्जती करते रहेंगे, ऐसे ही हमारा कंटेंट आएगा. तो गाइस हम मत्था टेक आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं पार्क. हम पार्क जा रहे हैं, हम मत्था टेक आ चुके हैं, हम गुरुद्वारे में मत्था टेक के आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं पार्क. और हमारे पास बैडमिंटन खेलने के लिए भी नहीं है, ये नहीं कि कुछ उठा ही लाएं कि हम खेल लें. अब हम पता नहीं क्या पार्क में बैठ के जगराता करेंगे क्या. तो हम आ गए हैं गुरुद्वारे के पास, एक पार्क है यहाँ पे सामने, उधर थोड़ी देर बैठने. बहुत दिनों बाद हम पार्क में आए. मेरा बिल है और वो देखिए कितने प्यारे फ्लावर्स हैं. मेरे को भी चलो यहाँ से, ऐसा लग रहा है हमें देख के जैसे हमने कभी पार्क ना देखा हो लाइफ में. नहीं एस्थेटिक लगेगा बहुत. क्या कर रहे हैं हम? किसका करते हैं फोटो? में कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है ये? इतनी प्यारी लग रही हो, सोनी कुड़ी लग रही हो बिल्कुल. दे दे गेरा नहीं दे दे गेरा. ये लोग सोच रहे हम रील बना रहे हैं, पर हम रील नहीं बना रहे हैं गाइस.
क्यों ना रखूं तेरे मुंह पे कैमरा? अरे तू कितनी प्यारी लग रही है, देख जरा। आहा, ये लड्डू सा चेहरा, ये गो, ये काली काली आके तुरुरु तुरुरु, ये हिरनी जैसी, ये हिरनी जैसी चाल, तुरुरु तुरुरु। मतलब ये देखिए खूबसूरती, और सबसे बड़ी खूबसूरती तो यहाँ पे, और सबसे बड़ी खूबसूरती यहाँ, और पिंक यहां। फूल, पिंक फूल बेटा यहाँ, काला फूल, ये पिंक फूल। मम्मी कुछ तो बोलो, कुछ प्यारा सा बोलो। चलो छुपन छुपाई खेलते हैं, एंटरटेन तो करो हमें। जी छुपन छुपाई खेलते हैं, आपकी ऑडियंस देखना चाहती है आप कितने एंटरटेनिंग हो। वैसे तो आप खूब बोलते हो कुछ ना कुछ। अच्छा, ये कैमरे के सामने ऑफवर्ड लग रहा है। कैमरे के सामने ऑफवर्ड बोला आपने, कैमरे के सामने ऑफवर्ड लग रहा है। मम्मी ने क्या बोला? ऑफवर्ड, ऑफवर्ड क्या बोला? ऑफवर्ड। अरे हाँ, वही तो, वही तो, सही पकड़े हैं। एक आंटी का वायरल नहीं हुआ था, साड़ी पहन के गई थी, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो। मम्मी आपको ज्यादा ही चौड़ा नहीं कर रहे हो? गंडासा, गांव में गंडासा बोलते हैं। न्यार काटने वाली, न्यार काटने वाली, चारा काटने, भैंस का चारा काटने वाली गंडासा। आप बहुत माहिर लग रहे हो इसमें। मैं सारे काम स्पोर्ट्स वुमन, हमारी यहाँ की, हमारे घर की। 25 ही हो पाए, 25 होए, मैं भी करूँ अब 50 होने चाहिए। 50 चलो करो, 50 चलो। जा रहे हैं पार्क से, और ये सुंदर सा व्यू, और ये सनसेट। और हम जा रहे हैं, और इतना सुंदर, इतने प्यारे, देख लो गाइस, ये मेरी मम्मी है। मम्मी कोई बात नहीं होती, करना। ये क्या बात हुई? मतलब नहीं 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 नहीं, मतलब हर रोज कौन दाल खाते हैं? मोस्टली हर अगले दिन दाल बन जाती है रात को। कुछ अच्छा बनाओ। ये है मेरी मम्मी, आलसी है मेरी मम्मी। कुछ मतलब ये नहीं कि हमें मम्मी, औरों की मम्मी ऐसे पकवान बना के खिलाती हैं हर रोज, कुछ ना कुछ बनाती हैं, एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं कुछ ना कुछ रोज। उनकी मम्मी एक्टिव होगी। मेरी मम्मी आलसी, देखिए खुद कबूल किया है मेरी मम्मी ने कि वो मेरी एनर्जी में पार्क में लगाया, मैं यहाँ बैठी ले। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि दीदी कैसे उपमा बनाते हैं, ठीक है? तो ये दीदी ऐसे ये ऐसे उपमा बनाती है गाइस। हम लोग पता नहीं यहाँ पे, हम लोग हमारे के प्याज की कलेक्शन काम आ रही। हम लोग फ्रिज में बोल रहे हैं, हम लोग किचन में प्याज ना रखने की जगह यहाँ रखते हैं, क्योंकि हम इतने सारे प्याज को टोकरी लेके। ये देखो गन्ने, और ये हमारे गन्ने जो कि कोई नहीं खाता घर पे, गन्ने नहीं खाते कोई भी, है ना? पापा मम्मी कभी कभी खा लेते हैं, वरना कोई नहीं खाता। और मैंने ऐसे जगल भी कर सकती हूँ। पर मेरी ख्याल से तो 2 सेकंड। देखो कौन आया है। अरे वो तो छोड़ पे नहीं, ये तो दिखा मेरा जगल। वो की छोड़, प्याज लिया तो ये बहुत शॉर्टकट अपनाती है। और जैसे खिचड़ी बना दी, उपम बना दिया, उपमा बना दिया, उपमा बना दिया, ये बनाती है बस। नहीं रुक रुक, रोटी नहीं बनाती, क्योंकि रोटी बनाने में टाइम, रोटी में इसको आलस आता है। तो रोटी बिल्कुल मेरे मुंह के आगे हाँ दे देना मेरे। एक तो वैसे ही मेरा कम होता मुँह है, बिल्कुल मेरे मुंह के आगे ला रही है। जबकि आपको रात को खाना मिले और आप आलसी इंसान हो, तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे पापा खड़े हैं वहाँ, इसलिए बैठे हैं वहाँ, इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। उन्होंने पता चलेगी तो है ही आलसी। ये वाली ट्रिक सब पे अपनाती है। तो फिर तो मोस्टली आप क्या बनाया करें, खिचड़ी पकड़ लिया करें, उपमा बना लिया करें, जब मम्मी खाने के लिए बोलती हाँ। रोटियाँ कभी ना चूज किया करें, क्योंकि रोटियाँ बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं बना रही हूँ आज उपमा, और मैं कितनी जल्दी बनाती हूँ, मेरा चैलेंज है, मैं
उपमा बन चुका है और अब हम जा रहे हैं इसको टेस्ट कराने. बता कैसा बना है खा के. अरे इतनी मिर्च बन गया ना 20 मिनट में. देख लिया 20 तो नहीं 30 लगे. 20 तो नहीं 20 नहीं. चल ठीक है 5 मिनट एक्स्ट्रा लगे. 30 कैसे लग गए. तूने टाइम देखा था. इतनी बड़ी झूठी है ना ये. कब देखा था तूने टाइम. देखा मेरे वहीं पे घड़ी रखी हुई है मतलब बिल्कुल सामने लगी हुई है. मुझे नहीं पता. और मैं फोन में भी चेक किया था. चल ठीक है तू खा के बता. लग गए चल 30 मिनट लगे. चलो 30 मिनट लगे क्योंकि सब्जी काटने में लेट हो गया था समझी. थोड़ा पानी कम डाला है क्या. थोड़ा सा हार्ड बन गया है पर वैसे अच्छा है. ठीक है अच्छा चलो जो अप्रूव्ड है मेरा उपमा. बस थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा टाइट है. मुझे दीदी ये बेस्ट रेसिपी जो लगती है वो उपमा बेस्ट. बाकी कुछ अच्छा नहीं बनाती. थप्पड़ आ गया ना बहुत तेज का. That's it for today's video. I hope you liked it, and if you did, please don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. And I'll see you in my next video. Bye bye.